मथुरा से खबर है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस के पक्षधार हैं दिनेश शर्मा, जिन्होंने बड़े दुखी होकर के बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर फर्जी मुकदमे लगाकर यदि मेरी छवि को खराब किया गया तो वह मुख्यमंत्री आवास लखनऊ जाकर आत्मदाह कर लेंगे। और आपको ये भी बता दें, वह वही दिनेश शर्मा है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद के हटने तक अन्न छोड़ दिया है और अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनते हैं। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद को हटाने वाले केस में पक्षकार हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मथुरा के अधिकारियों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर उस औरंगजेब के पाप के निशाने से आज़ाद नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनूँगा। तो आज मुझे लगभग 550 दिन हो गए अन्न छोड़े। मैं सनातन धर्म की इस बड़ी लड़ाई को लड़ रहा हूँ तो मथुरा के अधिकारियों को मेरा सहयोग करना चाहिए, लेकिन मथुरा के अधिकारी मुझ पर कोई ना कोई झूठा फर्जी मुकदमा लगा देते हैं। ये विधर्मी लोग हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, कोई जय फिलिस्तीनी कहता है, कोई हिंदू धर्म से हमारे भाई बहनों को मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। तो जब विधर्मी लोग हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं तो मैं उनका जवाब नहीं दूं? वो हमारे धर्म पर घात करेंगे तो मैं उनका प्रतिघात नहीं करूं? बस यही अधिकारियों का कहना है कि इन विधर्मियों के खिलाफ कुछ भी मत बोलो। अरे हमें भगवान ने मानव का जीवन दिया है, हमारा सनातन धर्म सबसे अच्छा है, उस धर्म के खिलाफ जो कोई बोलेगा तो हमें उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो मेरी मुख्यमंत्री जी आगे आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारियों को दंडित करें। यदि मेरे ऊपर दोबारा फर्जी मुकदमा लगाया गया तो मैं लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह कर लूँगा, क्यों कि मैं परेशान हो चुका हूँ इन मुकदमों से। मुझे ये गोली मार दें, मुझे शहीद कर दें, कोई परवाह नहीं है, लेकिन फर्जी मुकदमे लगाकर मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं मथुरा प्रशासन को अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि किसी अधिकारी ने मुझ पर फर्जी मुकदमा लगाया तो मैं लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह कर लूँगा। इसकी जिम्मेदारी मथुरा शासन प्रशासन की होगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।